हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारे पूर्व संविधान में 395 अनुच्छेद थे। हमें सभी अनुच्छेद को नहीं पढ़ना है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उन्हीं को बस पढ़ना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता रहे। और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सके। पढ़ेंगे मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे, मेरे 395 उनमें से कुछ ही अनुच्छेद पढ़ना है। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग था, 8 अनुसूचियां था। अनुसूचियां जो है इस पे बहुत कंफ्यूजन आता है। ये अनुसूचियां जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय 8 ही था, लेकिन कुछ ही समय के बाद मेरा 12 हो गया था। प्रेजेंट टाइम में मेरा 12 ही है, लेकिन उस समय 8 ही था। हम देखते हैं वर्तमान में क्या है। वर्तमान में मेरा 465 अनुच्छेद है और फिर 22 भाग था वो मेरा 25 भाग हो गया है, और जो मेरा 8 अनुसूचियां थी वो 12 अनुसूचियां हो गई है। हम समझते हैं अनुच्छेद नंबर पहला। हम पहला, दूसरा और तीसरा को एक साथ समझेंगे। अनुच्छेद नंबर मेरा पहला क्या था, भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। अब हम संघ का मतलब समझते हैं, संघ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि दिया है संघ जो है, संघ बराबर राज्यों का क्षेत्र, माने जो राज्य जैसे कि हमारा यूपी है, फिर बिहार है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। इनका क्षेत्र हो गया, फिर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर प्लस में अधिकृत राज्य। अब अधिकृत राज्य का मतलब हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे देश की सटे सटाए जो विदेश वाली सीमा है तो उसमें उसका कुछ हिस्सा जो है भारत, हमारा जो है भारत क्या करता है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है या अपने अंदर में कब्जे में अपने कब्जे में कर लेता है। तो जो कब्जा वाला हिस्सा है जिसपे विजय प्राप्त किया उस हिस्से को हम क्या करते हैं, अधिकृत राज्य कहते हैं। अब हम अधिकृत राज्य के बारे में समझ गए। अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर दूसरा क्या कहता है। अब ये जो अधिकृत राज्य हमारे भारत द्वारा हड़पा गया है, हमारे भारत द्वारा जीता गया है, इसी अधिकृत राज्य पे संसद द्वारा एक कानून बनाया जाएगा। इस कानून के द्वारा उसे एक नए राज्य का दर्जा मिल सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर तीसरा क्या होता है। ये जो है नए राज्यों का सीमा निर्धारण एवं नामकरण। अब हमारा नए राज्य का सीमा निर्धारण, जैसे कि हमारा यूपी है और बिहार है, तो अगर संसद को लगता है कि यूपी का सीमा यहां से यहां तक होना चाहिए और बिहार का सीमा यहां से यहां तक होना चाहिए, तो ये क्या करते हैं कि इन राज्यों के बीच में सीमा का नए रूप से इसे का गठन कर सकते हैं, मतलब सीमा का बदलाव कर सकते हैं और उसे अलग नाम भी रख सकते हैं उस सीमा को, मतलब सीमा में अलग अलग बंटवारा कर सकते हैं और उसका नामकरण भी कर सकते हैं। अनुच्छेद मेरा चौथा होता है जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया है। अनुच्छेद चौथा जो है ये हमारा अनुच्छेद दूसरा और तीसरे को क्या करता है, लागू करने का काम करता है। हम देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 क्या है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के संबंध में कहा गया है। इसमें 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में कहा गया है कि हमें नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, कोई विदेशी है हमारे यहाँ नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, मतलब पूरी पूरी जितनी बात कही गई है वो नागरिकता के बारे में कही गई है। हम समझते हैं अनुच्छेद नंबर 14 समझते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर मेरा 14 क्या है, समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार मतलब विधि का अधिकार, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ये विधि का अधिकार क्या होता है, विधि का अधिकार मतलब ये है कि सबके लिए समान कानून है, सबके लिए कोई भी अपने भारत में रहना चाहिए, वो जो है अपने भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके लिए सबके लिए समान कानून है। हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 का था राज किसी भी नागरिक से धर्म जाति लिंग क्षेत्र पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, मतलब कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म जात लिंग के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, इसे ये नहीं कहना कोई हक नहीं है। अनुच्छेद 16 का क्या है, लोक नियोजन में समानता। अब लोक नियोजन में समानता क्या है, लोक नियोजन में समानता का मतलब सरकारी नौकरी में समान अधिकार होना चाहिए। बस इसमें एक अपवाद है, वाले जो एससी एसटी और ओबीसी हैं इनको वरीयता दे दी जाती है, तो हमें समझना है 16 लोक नियोजन में समानता। अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17 मेरा क्या है। अनुच्छेद नंबर 17 मेरा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब कि छुआछूत। छुआछूत का मतलब जैसे कि हमारे जमाने पूर्वज में क्या करते थे, सब छुआछूत आपस में रहते थे, तो इसका जो है यहाँ पे समापन के बारे में कहा गया है। हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का समापन। ये उपाधियों का समापन क्या है, मतलब जो हम पुरस्कार पाते हैं इसका समापन कर दिया गया है। अब इसमें बस दो पुरस्कार बस रोक दिया गया है, दो पुरस्कार को छोड़कर, जैसे कि एक शिक्षा के संबंध में और एक सैनिक वाले पाए जाते हैं उसका पुरस्कार को छोड़कर, अदरवाइज जितने भी पुरस्कार हैं उनको क्या किया गया है यहाँ से समाप्त कर दिया गया। और ये भी जो सैन्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिलेंगे, ये सिर्फ अगर राष्ट्रपति की अनुमति है तभी हम विदेशों से अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। समझते हैं, देखते हैं अनुच्छेद नंबर 19 प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। इसका मतलब जो मीडिया होती है उसके स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 19 क्या जो है उसके इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो है
हम जो है एक यूनिटी बना के एक लीडरशिप के रूप में हम कहीं भी अपने कुछ भी बोल सकते हैं। हम तब तक स्वतंत्र हैं बोलने के जब तक किसी अगले बंदे को मेरे बात पर कोई आपत्ति ना हो, तब तक हम अपना कोई संगठन बना सकते हैं, कोई प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कहीं भी हम अपना कुछ भी पोस्टर छपवा सकते हैं, एक लीडरशिप के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक हम स्वतंत्र हैं जब तक किसी को क्या हो, कोई तकलीफ ना हो। हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 20, ये ही समझना है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बार अपराध किए हैं तो बस हमें सजा एक बार ही मिलनी चाहिए, दोबारा हमें सजा नहीं मिलती है। एक अपराध के लिए बस एक ही बार की सजा का वर्णन किया गया है संविधान में। हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21, इसमें कहा गया जीवन का अधिकार एवं दैनिक एवं प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हम अपने अनुसार से जी सकते हैं, अपने अनुसार से हम रह सकते हैं, अपने अनुसार से हम खा पी सकते हैं। अगर मेरा मर्जी है तो हम जो मर्जी मतलब खाने के लिए खा सकते हैं, मर्जी जैसे हम तैसे रह सकते हैं, घूम सकते हैं। इसका वर्णन हमारा किया गया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 क्या कहलाता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब अगर हम कोई अन्याय कर दिए हों, कोई गलत कर दिए हों, किसी के जीवन के अवरुद्ध कोई काम कर दिए हों, तो इसमें हम क्या करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। अब हम गिरफ्तारी हो जाएंगे तो इसमें इसमें संविधान का क्या रूल है कि हमें एक बार गिरफ्तारी के लिए आजादी दिया गया है और एक ही बार क्या किया गया, सजा दिया गया है। और हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हमें पुलिस और दरोगा जो है हमें थानों पर ले जाकर पीटेंगे, हमारा जो है न्याय देने के लिए वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 को समझना है। अनुच्छेद नंबर 23 क्या है, बलात्श्रम का निषेध। मतलब कि बलात्श्रम क्या होता है, जैसे कि हमें क्या करे कोई बंदा जबरदस्ती जबरन फ्री में काम करवाए, कम पैसे में काम करवाए। जैसे अगर 200 में मुझे एक दिहाड़ी लेना है, एक दिन का मेरा 200 रुपया श्रमिक का मजदूरी है, तो कोई हमसे 100 रुपया में काम करवाए, जबरदस्ती काम करवाए, तो यहाँ पे इसका निषेध किया गया। मतलब बलात्कार को हम नहीं करवा सकते, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। हमें देखना है अनुच्छेद नंबर 24 समझना है, बाल शोषण। बाल शोषण का मतलब हमारे जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, 14 साल से कम के बच्चों का जो है हम कहीं काम पे नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी इंडस्ट्री या कोई भी मालिक अगर 14 साल से कम के बच्चों को काम पे लगाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा संविधान में देने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद नंबर मेरा 25 से 28 के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है, हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम जो है धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। मतलब हम अपने धर्म के अनुसार कोई भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 29 से 30 क्या मेरे हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति, मेरी शिक्षा कैसा कैसा होना चाहिए, मेरी संस्कृति कैसा होना चाहिए, मेरा परिवेश कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एक रिट जारी करती है, उसके अंतर्गत मेरा 5 ऐसे प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 को ही हमारे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर पूछता है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद नंबर 32 को कहा गया है। अनुच्छेद मेरा 40 के, अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत का गठन। हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि हमारे संविधान में ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जैसे कि हम गरीब माँ बाप के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो उनकी शिक्षा के लिए पूरा प्रावधान सरकार को करना है, इसके लिए बताया गया अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि एवं पशुपालन की स्वतंत्रता। जैसे कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी तरीके की कृषि कर सकते हैं, किसी भी तरीके के पशु पाल सकते हैं, तो हमारा इसमें पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 50 क्या कहलाता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपस में अलग अलग बंटवारा किया गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 52 से 61 के बारे में समझते हैं, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारी बात कही गई है। जैसे कि अनुच्छेद 52 कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है राष्ट्रपति के कर्तव्य एवं दायित्व, राष्ट्रपति के कौन कौन से कर्तव्य हैं और उनका कौन कौन सा दायित्व है, किस हिसाब से कार्य करेंगे, उसके बारे में 53 में कहा गया है। 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस हिसाब से होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 54 में कहा गया है। 55 में इसका क्या कहा गया, 55 में पदावधि, इनके पद की अवधि कितने टाइम तक होती है, इनके बारे में कहा गया है। फिर 61 में कहा गया राष्ट्रपति पर भी महाभियोग, अभी तक तो महाभियोग तो नहीं लगा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में भी चर्चा कही गई है 61 में। अब फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 63 मेरा क्या कहलाता है, अनुच्छेद मेरा 63 कहता है उपराष्ट्रपति, मैंने भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। 72 को हम देखते हैं कहा गया राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति, जैसे कि इसमें फांसी हो सकता है, फांसी हो सकता है, मृत्युदंड हो सकता है, मृत्युदंड हो सकता है। अगर हमारा उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है किसी बंदे की फांसी की सजा सुना दी गई हो, मृत्युदंड की सजा सुना दी गई हो, अगर राष्ट्रपति हमारे चाहते हैं तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत
संविधान में जो कहा गया है उनके फांसी को रुकवा सकते हैं, उनके मृत्युदंड को भी टलवा सकते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है मंत्रिमंडल के बारे में कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिमंडल, भारत में एक मंत्रिमंडल होगा, उस मंत्रिमंडल का जो हेड होगा, मुखिया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किया गया, मतलब मंत्रिमंडल का जो मुखिया होगा उसे हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो होगा उसे हम कहेंगे प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 को समझते हैं, भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा। अनुच्छेद 80 में कहा गया लोकसभा के बारे में, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितने उसमें मनोनीत किए जाते हैं, कैसे कैसे उसकी कार्यप्रणाली है, सारे का वर्णन हमारा क्या कहा गया 80 के बारे में। और 81 के बारे में कहा गया है राज्यसभा के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो हम एक वीडियो बनाएंगे लोकसभा के बारे में, लोकसभा का पदावधि, लोकसभा का कैसे गठन होता है, लोकसभा का कैसे विघटन होता है, तो इसके बारे में बताएंगे। तो अनुच्छेद 80 में लोकसभा में, अनुच्छेद 21 में हमारा, 81 में हमारा राज्यसभा के बारे में बताया गया है। फिर हमारा अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन है। अनुच्छेद 85 में क्या है, लोकसभा को विघटन कैसे कर सकते हैं, मतलब लोकसभा को हम भंग कैसे कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 108 जो है, इसमें क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और यह एक साल में दो बार बुलाने का प्रावधान। अनुच्छेद 11 विधेयकों की अनुमति, विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें बताया गया राज्यपाल जो हर एक राज्य में एक राज्यपाल होना सुनिश्चित है उसके बारे में, इसमें बताया गया कैसे कैसे उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनकी अवधि कैसी होगी और उनका जो है योग्यता क्या होना चाहिए, सारे बात में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जनजाति का अधिकार क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, उनका क्या अधिकार होना चाहिए, 244 में बताया गया है। 263 में क्या बताया गया, अंतरराज्य जल परिषद की स्थापना। इसमें क्या है, हमारा जो है भारत देश है इसमें जो है राज्य का जो जल बंटवारा होता है एक इस हिसाब से बंटवारा किया जाएगा, किस हिसाब से कितने परसेंट अदर राज्य को दिया जाएगा, कितने परसेंट हमारे दूसरे राज्य को दिया जाएगा, इसका बंटवारा जो कहा गया है अनुच्छेद 263 में कहा गया है। 280 जो है वित्त आयोग का गठन, जो हमारा भारत सरकार में वित्त आयोग है उसका गठन 280 में कहा गया है। 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में बताया गया, जो निर्वाचन आयोग है इसी निर्वाचन आयोग के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति से लगाई हमारे छोटे छोटे चुनाव तक भी निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होते हैं, इसके इसके बारे में वर्णन 324 से 329 में कहा गया है। इसमें कहा गया है अनुसूचित जनजाति का अधिकार क्षेत्र, उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 343 में बताया गया संघ की राजभाषा, भाषा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 ये जो है अनुच्छेद 352 से लगाए 360 तक ये आपात के बारे में बताया गया और 352 में है राष्ट्रीय आपात। अभी तक जो है मेरा राष्ट्रीय आपात सिर्फ तीन बार लगा है, वो भी कब तक, कब कब, 1962 में लगा, 1971 में लगा, 1975 में लगा। अब तक मेरा आपात कब लगता है, जब हमारे भारत देश से किसी देश से युद्ध की स्थिति आ जाती है, या तो किसी देश से युद्ध हो जाए या तो विश्व युद्ध हो जाए, इस स्थिति में क्या होता है हमारा राष्ट्रीय, मतलब अपने देश से और किसी अदर देश से अगर कहीं युद्ध की स्थिति बन जाए उस समय क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लगता है। अब तक तीन बार लगा है, एक बार 1962 में लगा है, 1971 में लगा, 1957 में लगा है। ये राष्ट्रीय पति आपात क्या होता है, जब हमारे भारत देश की सीमा के अंतर्गत अगर किसी राज्य से आपस में कोई झगड़ा हो जाए, किसी मैटर को लेकर, चाहे जल विवाद को लेकर हो जाए, चाहे किसी भी राज्य की सीमा के लिए हो जाए, अगर ऐसा कोई होता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, कोई उपद्रव हो जाता है। तो अब हम देखते हैं 360, इसमें वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अगर हमारा भारत देश अगर संकट में जूझ रहा हो, संकट में मतलब कि आर्थिक रूप से संकट, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे कमी हो गई है उस समय लगता है, लेकिन अभी तक मेरा वित्तीय आपात लगने का कोई चांस नहीं हुआ है और ना आज तक लगा है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की सैलरी को छोड़कर सारे लोग की सैलरी जो है, मतलब सारे लोग का जो वेतन होता है उसमें कटौती की जाती है कुछ परसेंट तक। और हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 368, इसमें संविधान संशोधन के बारे में प्रक्रिया कहा गया है, जितने भी संविधान में नए नए संशोधन किए जाते हैं उसका वर्णन 368 में कहा गया है। इस हिसाब से मेरा पूरा अनुच्छेद जो है कवर होता है, 395 अनुच्छेदों में से मेरा सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो पूरा इसमें कवर होता है। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन जो उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।